ओ भाई ये कौन सी गजब सी चीज है यार। हाँ भैया रुकना रुकना, क्यों भैया ये कौन सी चीज है? ये हेलीकॉप्टर है। तो ये आपने बनाया है? जी बिल्कुल। थोड़ा निकल के बाहर आइएगा आप। अच्छा जी आपका नाम क्या है? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? छपरा जिला, गांव का नाम है सरमी। जी तो इसको आपने कब बना दिया? ये लॉकडाउन से पहले बना। लॉकडाउन से पहले? और ये जैसे आपने इसके ऊपर पंखा वगैरह लगाया हुआ है, तो अभी हम ये देखेंगे भाई ना उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। तो भाई अब जो हमारा हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर देखो चलने जा रहा है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है देखने के लिए। और यहाँ पर अपने जो पायलट साहब हैं वो बैठ चुके हैं इसमें। अच्छा इसमें ये जो स्विचेस वगैरह हैं ये सब बाद में लगते हैं? जी ये सब कंट्रोल करने के लिए। जी तो इसमें जैसे कई सारे लगे हुए हैं, तो इन सब का क्या क्या काम होता है? सब अलग अलग कंट्रोल करने के लिए है। तो अभी जो हमारा हेलीकॉप्टर है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से देखिए जो मतलब एक प्रॉपर फील देती है ना, कि जैसे जो भी पायलट होते हैं इसको धीरे धीरे करके अपना ये जो अच्छा पंखा घूमने लगा, बहुत बढ़िया भाई। बिहार के एक छोटे से गांव में यहां पर देखिए कि जो हेलीकॉप्टर बना करके तैयार किया गया है वो किस तरीके से फर्राटे भर रहा है। यहां पर उसका जो पंखा है देखिए कितनी स्पीड में घूम रहा है, और आसपास से बस धूल ही धूल यहां पर नजर आ रही है। एक बार इसके अंदर चल के देखते हैं कि भाई अंदर से ये कैसे दिखता है और इसके अंदर बैठ करके कैसा फील आएगा। चलो जी। तो बच्चा भैया इसको धीरे धीरे आओ, इसको टेक ऑफ कराओ, उड़ाओ थोड़ा सा। अब बच्चा इसके जो अंदर का जो ये वाला स्प्रे लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं जी? यकीन मानो आप अगर 700-800 करोड़ के प्लेन में बैठोगे उस पे भी फीलिंग नहीं आएगी वो वाली, क्योंकि इसमें थोड़ा प्राउड वाली फीलिंग आ रही है भाई। वो एक कंपनी बनाती है, यहाँ पर मिथिलेश भाई ने इसको खुद से बना करके तैयार किया है। तो अच्छा मिथिलेश जी ये बताओ आपकी जो एजुकेशन है पढ़ाई लिखाई वो आपने कितनी की है? इंटर तक पढ़ाई किया हूँ। अच्छा 12वीं तक? जी। बहुत बढ़िया जी। तो अब जो हमारा हेलीकॉप्टर है वो टेक ऑफ करने जा रहा है। अब ये देखने वाली बात है कि भाई गांव किस तरीके से तरक्की कर रहे हैं, गांव के छोटी छोटी सड़कों पर हेलीकॉप्टर दौड़ रहे हैं, तो बहुत मतलब अच्छी बात है। शुरुआती टाइम में कितने पैसे लगे होंगे इसको बनाने में? शुरुआती में तो बहुत ज्यादा पैसा लगा था। अच्छा लेकिन उसमें सामान भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। अच्छा जी जैसे इसमें ये पीछे का जो आपने ये लुक वगैरह दिया हुआ है, तो इसमें ये कौन सा मटेरियल क्या इस्तेमाल किया है? मतलब ये प्लास्टिक है क्या है? नहीं जो गाड़ी जिस मटेरियल का बनता है वही। अच्छा तो मतलब बढ़िया मजबूत है ये? जी बिल्कुल जी। इस पे घूम सकते थे, मतलब इस पे कितना हो दबाव देंगे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मजबूत है ये। हाँ बिल्कुल मजबूत है। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर देखिए मतलब जैसे ये वाली हमारी लग रहा है वो वैगनार गाड़ी है। जी बिल्कुल जी। तो वैगनार गाड़ी को यहाँ पर से इसमें जो पीछे डिक्की नहीं है तो मतलब सपाट होती है, तो उसमें ये इस तरीके से जो इसको ये वाला जो पार्ट होता है ये ऐड करते हैं क्यों जी? जी ओके। और यहाँ पर ये जो आपने लगाया हुआ है ये इसका जो जेट इंजन का आपने लुक दिया है। जी, जी। बहुत बढ़िया। अच्छा भैया जो मतलब आपकी जो क्रिएटिविटी है जैसे बोलते हैं ना कि एक रचनात्मक क्रिया जो होती है तो बहुत ही गजब की है। अब अच्छा ये इसमें कितने लोग आगे बैठ सकते हैं और कितने लोग आगे? तो नॉर्मल गाड़ी में बैठते हैं, आगे दो लोग बैठ सकते हैं और पीछे इसमें तीन लोग बैठ सकते हैं। जी तो अगर जैसे ये शादी के पर्पज से चलाई जाएगी तो इसमें आराम से दो लोग, एक तो दूल्हा तो आगे ही बैठेगा और बाकी तीन लोग आराम से पीछे आ जाएंगे। तो अभी आपने केवल एक ही बनाई है या इसके अलावा भी आप बना चुके हैं? बहुत सारे बनाए हैं ग्राहक के लिए। अच्छा तो जैसे आप बनाते हैं तो आप कहाँ पे बनाते हैं? छोटा मोटा। अच्छा यार नहीं जी, जो शुरुआत होती है वो थोड़ी छोटी मोटी होती है। अच्छा यहाँ पे कितने लोग मिलकर के काम करते हैं? यही 10-12 लोग मिलकर काम। अच्छा 10-12 लोग मिलकर के इस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं? जैसे जैसे काम का वो मतलब ऑर्डर आता जी है जी जी, उसी हिसाब से फिर आदमी हम लोग काम करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मात्र एक गाड़ी जो अपने शौक के लिए शुरू की थी उसको हेलीकॉप्टर बनाया, अभी यहाँ पर पूरा एक बढ़िया तरीके से जो गैराज है वो बना दिया है। गैराज में देखिए कि यहाँ पर जो गाड़ियां आती हैं जैसे सेंट्रो हो गई, वैगनार हो गई, जो भी मतलब एक विधिवत तरीके से मॉडिफाइड हो सकती है गाड़ी वो यहाँ पर आती है और इस तरीके से उसको मॉडिफाई करके बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए कि पूरा इन्होंने एक पूरा अपना सेटअप बनाया है और लगभग इनके साथ करीब 10-12 लोग मिलकर के यहाँ पे काम करते हैं। जैसे आपके यहाँ पर कोई आना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, तो आपके यहाँ पे कैसे आ सकता है? अगर आपसे कांटेक्ट करे कि भाई हमें एक गाड़ी बनवानी है तो कैसे कांटेक्ट कर सकता है? मेरा ये कांटेक्ट नंबर है जी। अच्छा यहाँ पर 8757150962। और यहाँ का प्रॉपर एड्रेस क्या होगा? छपरा जिला में पड़ता है, बिहार में। अच्छा गांव का नाम है सरमी। तो दोस्तों अगर आपको इनकी मेहनत पसंद आई और जिस तरीके से इन्होंने काम किया इसमें अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को हम यहीं पर करते हैं समाप्त, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।